फ्रेंड्स, पंजाबी फैशन ट्रेंड विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा बबल्स वाला डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप अपने किसी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज शर्ट में, बच्चों के स्वेटर में, शॉल में, स्टॉल में डाल सकती हैं। ये बनकर बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। ये देखिए, आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। ये देखिए फ्रेंड, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 20 के मल्टीपल से होंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारे 20 फंदे होंगे और ऐसे ही हम इसी हिसाब से इसके फंदे लेंगे और साथ में 3 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे, एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 12 रॉ का डिज़ाइन है। 12 रॉ के बाद ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है और ये डिज़ाइन सभी कलर्स में बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। खासकर ब्लैक कलर में अगर आप इसे डालें तो उसमें भी बनकर बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 43 फंदे लिए हैं और देखिए अब हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए, एस स्टिच ऐसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 फंदे सीधे बुनेंगे। अब आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब देखिए, धागा आगे करके जाली डालते हुए हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 धागा आगे, 2 धागा आगे और 3 फिर धागा आगे। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे 2 फंदे उतारेंगे, टर्न करेंगे और जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा, फिर 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए, स्टार्टिंग का स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। देखिए, इसमें हमने क्या किया है, ये उल्टा फंदा बुना, उसके बाद 6 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का एक फंदा आगे की साइड से बनाया, फिर 4 बार हमने जाली डाली और 3 फंदे सीधे बुने, फिर जाली डाली और ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाया और 6 फंदे सीधे बुने। ऐसे ही आगे फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। 20 फंदों का पैटर्न है, ये इसका फर्स्ट फंदा है, उल्टा फंदा फर्स्ट फंदा है। फिर धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे टर्न करेंगे और जाली डालते हुए 2 का एक बनाएंगे, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए, ये हमने 6 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एस स्टिच सीधा। ये देखिए, फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। ये देखिए, एस स्टिच ऐसे उतारेंगे, एक फंदा सीधा, ये जो सीधी साइड में उल्टा फंदा है इसे उल्टी साइड में सीधा बुनेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे ही बनेंगे। हर बार इसकी रॉन्ग साइड सेम ही जाएगी, इसलिए आगे हम आपको इसकी रॉन्ग साइड नहीं बताएंगे। ये देखिए, ये सारे फंदे इसके उल्टे बना लेंगे, जो एक उल्टा फंदा सीधी साइड में बनाया है उसे रॉन्ग साइड में सीधा बुनेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, बाकी के फंदे उल्टे। ऐसे ही ये सारी रॉ कंप्लीट करेंगे। थर्ड रॉ राइट साइड, एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा है, उल्टा ही बनेगा हर बार ये। ये देखिए, आगे हम 1, 2, 3, 4, 5 फंदे
सीधे बुनेंगे। देखिए ये हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया था, एक फंदा ये वाला साथ में लेंगे, दो फंदों का फिर से आगे की साइड से एक फंदा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में हमने कोई भी जाली नहीं डालनी है, अब ये फंदे हम सीधे ही बुनेंगे इस रो में। 1 2 3 4 5 6 7 फिर दो फंदे उतारेंगे, टर्न करेंगे, दो का एक बनाएंगे, पांच फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ये देखिए स्टार्टिंग का स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आगे इसे ही रिपीट करेंगे। देखिए एक उल्टा फंदा, फिर पांच फंदे सीधे, दो का एक बनाया आगे की साइड से, 7 फंदे सेंटर में सीधे बुने, फिर दो का एक, 5 फंदे सीधे, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। आगे की साइड से दो का एक, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, दो फंदे टर्न करेंगे और दो का एक बनाएंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, स्टिच सीधा। रो थर्ड कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे बनेंगे, सीधा फंदा सीधा बनेंगे। रो 5 राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, आगे की साइड से दो का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर देखिए धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे टर्न करेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से आगे से रिपीट करेंगे। देखिए ये एक उल्टा फंदा बुना इसमें हमने, 4 फंदे सीधे, दो का एक बनाया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, दो का एक और 4 फंदे सीधे बुने। फिर पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, आगे की साइड से दो का एक, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे टर्न करेंगे, दो का एक, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, स्टिच सीधा। रो 5th कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड उल्टे फंदे उल्टे बनेंगे, सीधा फंदा सीधा बनेगा। रो 7 राइट साइड स्टिच, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर देखिए 3 फंदे सीधे, 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, फिर देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब ये देखिए ये सेंटर का फंदा है, 6ठा फंदा, इस पर हम बबल बनाएंगे। ये देखिए 5 बार इसको बुनेंगे धागा आगे करते, 1 धागा आगे, 2 ये देखिए 3 धागा आगे, 4 और 5, देखिए 1 फंदे के 5 फंदे बनाए हैं, फिर टर्न करेंगे इसे ऐसे उतारेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे।
चार और पाँच। टर्न करेंगे, अब देखिए ये फंदे राइट नीडल पर लेके जाएंगे, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ फंदा ऐसे सिलाई पर लेंगे, इसको सीधा बुन लेंगे, बाकी के फोर फंदे इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, 1 2 3 और 4। ये देखिए ये हमारा बबल बन जाएगा। अगर आप चाहें तो बड़ा बबल भी बना सकते हैं, इसको एक बार और आप बुन सकते हैं तो ये बड़ा बन जाएगा। ये जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही कर सकते हैं। आगे फिर देखिए 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और 5, 2 फंदे टर्न कर लेंगे, 2 का 1, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आगे ऐसे ही रिपीट करेंगे। देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये देखिए एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 3 फंदे सीधे, 2 का 1 बनाया, 5 फंदे सीधे, सेंटर के फंदे पर हमने बबल बनाया, फिर 5 फंदे सीधे, 2 का 1, 3 फंदे सीधे। फिर से इसे रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, आगे की साइड से 2 का 1, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। देखिए सेंटर का फंदा बबल बनाएंगे, आगे की साइड करेंगे और 5 फंदे बनाएंगे, 1 फंदे के टर्न करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, 4 फंदे बुन लेंगे, 2 3 4 और 5। टर्न करेंगे, राइट नीडल पर लेकर जाएंगे 4 फंदे, 2 3 4, फिफ्थ फंदा सीधा बुन लेंगे, 4 फंदे इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे, 1 2 3 और 4। ये देखिए फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे टर्न करेंगे, 2 का 1, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एस स्टिच सीधा। रो 7 कंप्लीट हो गई है। रो 8 रॉन्ग साइड, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, बाकी फंदे सारे उल्टे बनाएंगे। रो 9 राइट साइड, ये देखिए एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 का 1, देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, जाली डालेंगे और 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे टर्न करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, 1 2 फंदे सीधे। ये देखिए हमारा एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट हो गया है। आगे से ही रिपीट करेंगे, देखिए एक उल्टा फंदा, उसके बाद 2 सीधे फंदे, फिर 2 का 1, 2 फंदे सीधे, फिर जाली डाली, 1 फंदा सीधा, जाली डाली, 5 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 का 1, 2 फंदे सीधे। यही पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, आगे की साइड से 2 का 1, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, फिर धागा आगे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे टर्न कर लेंगे, 2 का 1, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, लास्ट का फंदा सीधा। रो 9 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रो 11 राइट साइड, एस स्टिच ऐसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा,
दो फंदों का एक फंदा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए ये हमारे सेंटर के तीन फंदे हैं, ये सेंटर का फंदा, इस पर हमने बबल बनाया था, हम इस वाले फंदे पर बबल बनाएंगे। ये देखिए धागा आगे, एक फंदे के पांच फंदे बनाएंगे, 3 धागा आगे और 5, टर्न कर लेंगे, स्किप करेंगे, 4 फंदे बुन लेंगे, फिर टर्न करेंगे, राइट नीडल पर लेकर जाएंगे, 2 3 4 और 5 ये बुनेंगे, पांचवा फंदा और 4 फंदे इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे, 3 4 और 5, फिर एक फंदा बुनेंगे सेंटर वाला, फिर से बबल बनाएंगे। ये देखिए धागा आगे, 5 फंदे बनाएंगे एक फंदे के, 3 धागा आगे और 5, टर्न करेंगे, स्किप करेंगे, 4 फंदे बुन के लेंगे, 2 3 और 4, टर्न करेंगे, राइट नीडल पर लेकर जाएंगे, 5th फंदा सीधा बुन लेंगे, 4 फंदे इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे, 3 और 4, ये देखिए फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, दो फंदे टर्न कर लेंगे और दो का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, दो का एक बनाया, 6 फंदे सीधे बने, फिर एक बबल बनाया सेंटर का फंदा सीधा, फिर बबल बनाया, फिर 6 फंदे सीधे, दो का एक, एक फंदा सीधा। फिर से पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो का एक, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, बबल बनाएंगे, धागा आगे, 3 धागा आगे, 5 टर्न करेंगे, 4 फंदे बुनेंगे, 2 3 और 4, टर्न करेंगे, राइट नीडल पर लेकर जाएंगे और इसे सीधा बुन लेंगे, 4 फंदे ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे। ये देखिए फिर सेंटर का फंदा एक सीधा बुनेंगे, फिर से बबल बनाएंगे, धागा आगे, 3 धागा आगे, 5 टर्न करेंगे, 4 फंदे बुनेंगे, 3 और 4, टर्न करेंगे, राइट नीडल पर 4 फंदे लेकर जाएंगे, 5th फंदा सीधा बुनेंगे, 4 फंदे 5th फंदे के ऊपर से ऐसे ड्रॉप करेंगे। ये देखिए ये हमारा बबल बन जाएगा, फिर 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6, दो फंदे टर्न करेंगे, दो का एक, एक फंदा सीधा। ये देखिए रो 11 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड, उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा है सीधा बनाएंगे। ये देखिए रो 12 कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बनकर इस तरह से ये दिखेगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड। और फिर से अब इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बार बार हम इसकी 1 to 12 रो रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए फ्रेंड।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।